स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल TK कोचिंग सेंटर में। जो भी विद्यार्थी मैट्रिक का हो या इंटर का हो, जो भी विद्यार्थी स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, रिक चेक के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, उनका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो हम आप लोग को इस वीडियो में स्क्रूटनी का रिजल्ट ऑनलाइन डाउनलोड करके दिखाएंगे। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम बिहार बोर्ड से संबंधित हर नोटिफिकेशन आप लोग के बीच लेकर आते रहते हैं। और साथ में यदि आप 10th या 12th के सभी विषय का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ऑनलाइन कोर्स कराया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा और ओपन करने के बाद आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैट्रिक का स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक करने के लिए अलग लिंक दिया गया है और इंटर स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक करने के लिए अलग लिंक दिया गया है। यदि आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो उस पर क्लिक करें और आप इंटर के विद्यार्थी हैं तो इंटर वाले स्क्रूटनी लिंक पर क्लिक करें। तो आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आप लोग को करना क्या है, थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर। आप लोग को क्या करना है, इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। यह एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा, यदि आप लोग जब भी ऑनलाइन स्क्रूटनी का लिए कॉपी चेक करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए होंगे, अप्लाई किए होंगे, उस समय आप लोग को मिला होगा, उसमें होगा। आप लोग वहाँ से इसमें टाइप कीजिएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप लोग को लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। आप जिस विषय में स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए थे उसका रिजल्ट आप लोग के सामने आ जाएगा। अभी तो मेरे पास किसी का नहीं है कि किसी का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है कि मैं आप लोग को फिलहाल चेक करके बताऊं, लेकिन आप लोग इस स्टेप का फॉलो करके अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, चाहे आप मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटर का। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट लेकर। धन्यवाद।